they were chosen by God above. Such a fitna that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, every prophet warned his people against thee. Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Saleh, Lut, Yaqub, Musa, Yusha, Ilyas, Yunus, Ayub, Dawood, Yahya, Isa alayhi salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hum ek nayi series shuru karne ja rahe hain qiyamah ki badi nishaniyon ke mutalliq. Shuruaat hamari Dajjal se hogi. Is video ko shuru karne se pehle main kuch baatein batana chahta hoon kyunki hum ghaib ki khabron pe tafsira karne ja rahe hain. Hame kisi bhi Quran ki ayat ya ahadees ki taweelat nahi karni chahiye jab tak ki uski taweelat Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne na ki ho. Hame tamam sahi ahadees ko usi tarah qubool karna chahiye. Hame apna dimag nahi daudana chahiye. Hamare nabi ne jo kuch bhi bataya hai us par yaqeen karna hamare iman ka hissa hai. Dajjal ke mutalliq log ajeeb ajeeb raaye rakhte hain. Jaise ki ek hadees se sabit hai ki Dajjal duniya mein 40 din rahega jiska ek din ek saal ke barabar hoga. Phir hadees aage jaati hai. Usme koi shekh kehte hain ki ye hissa guzar chuka hai, baki ka hissa bas bacha hai. Is baat ko bhul jate hain ki Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam jab is baat ko bata rahe the to sahaba ye pooch rahe the ki hum us dauran namaz kaise padhenge kyunki ye unki sabse badi fikr thi. Kuch kehte hain ki Dajjal जो नई टेक्नोलॉजी है वो है. ऐसा जो लोग कहते हैं वो असल में सही अहदीस को रिजेक्ट कर रहे हैं. कुछ दज्जाल के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं हैं. वो कहते हैं कि कुरान में नहीं है. इसका जवाब बहुत आसान है. कुरान किसी चीज़ की निशानदेही करता है और उसकी पूरी पिक्चर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में मौजूद होती है. जैसा कि अल्लाह ताला ने हम सबको हुक्म दिया है कि जो कुछ भी नबी दे उसको कबूल करो और जिस चीज़ से वो रोके उससे तुम रुक जाओ. तो हमारे नबी जो हमें देते हैं उसकी तमाम डिटेल कुरान में मौजूद नहीं है. उसकी तफसीलात अहदीस में ही पाई जाती है. ये बात सही है कि शैतान और उसके साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने मसीहा दज्जाल के लिए. हम ये देखते हैं कि दज्जाल का जो एक आँख वाला सिंबल है वो हर जगह दिखाया जाता है, खासतौर से मीडिया में. इंसान मशीन की तरह बनता जा रहा है. फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है. हर जगह फितना फसाद है और दज्जाल तभी आएगा जब ये दुनिया फितनों से भरी होगी. इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में ये दुआ पढ़ते थे और हम सब को चाहिए कि हम हर नमाज में इस दुआ को पढ़ें. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअथम वल मग़रम. इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ. ज़िंदगी के और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ. दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ. और ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गुनाहों से और कर्ज से. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में ये फरमाया, जो नबी भी मबूस किया गया तो उन्होंने अपनी कौम को काने झूठे से डराया, आगाह रहो कि वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है और उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है. दज्जाल की सीरीज़ का पहला वीडियो यहीं ख़त्म होता है. आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें. इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.